Hi, so you are going to witness the most untold and the hidden and inside story of IIM CAP SAP round, that means 9 IIMs. उनका selection criteria क्या है? Are you safe? Minimum candidate score क्या होना चाहिए? Everything based on the RTI, कोई भी बकवास नहीं होगा. तो इतना detailed analysis और इतना deep analysis, I don't think कि YouTube पे आपने आज तक कभी देखा होगा for the CAP and the SAP. मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, व्हाट इज कैप, व्हाट इज सैप, क्या होता है क्या नहीं होता है. अगर आपने कैट 2022 दिया है तो क्या आप इसमें सेफ हो? अगर सेफ हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि दीज आर द कॉल्स जो बहुत जल्द अपने क्या करते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें सीट ब्लॉक करना होता है, उन्हें पैसे आपसे लेने होते हैं, दो आप रिफंड ले सकते हो. तो ये बहुत तेजी से प्रोसेस करना स्टार्ट होगा. मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा, इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगा. इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता हो जाएगा. एंड मैं आपको फिर से बात बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा कैलकुलेटर तो है, बट वीडियो को पूरा देख लेना, तभी आपका वो कैलकुलेटर हेल्प करेगा. और इस वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज जितनी मेहनत हम करते हैं 9 IIMs का वीडियो इन वन कलेक्शन, कितना मेहनत लगा होगा. और ये मेहनत अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, ये मेहनत 5-6 महीने पुराना है कि हमने RTI डाला, उस पर काम करना स्टार्ट किया और अभी जाए, मतलब ये टोटल 6-7 मंथ का लेबर आपके सामने दिख रहा है. सो दैट आप में एनग्जिटी नहीं हो कि हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, डिप्रेशन हो या नहीं हो, हम उसको सब कुछ टैकल करेंगे. बिकॉज माइसेल्फ हम ये पीपल कॉल्ड मी MBA और क्वांट गुरु. मेरा अगर कैट स्कोर देखोगे 99.99 और जैट 99.999, और ये मेरे उस समय के कैट और जैट थे जब मैंने एज एन एस्पिरेंट लिखा था. तो एज अ गुरु का क्या मतलब होता है? जो आपको हर एक जगह हेल्प करता रहे. इट्स नॉट ओनली कि मैंने आपको कैट के लिए क्वांट पढ़ाया और खत्म हो गया, नहीं. अगर आप डिप्रेशन में हो तो भी हम उसमें हेल्प करेंगे. अगर आपको लगता है कि XYG होना चाहिए तो भी मैं आपको हेल्प करूंगा. मेरा सारा सोशल लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल हैंडल्स का लिंक है, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो. हाँ, मैं थोड़ा सा रिप्लाई लेट से करता हूँ, बिकॉज मैं क्लासेस भी ले रहा होता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ. तो IIM CAP और SAP का हिडन राउंड क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको सब कुछ मैं आज बताऊंगा जो शायद कहीं से भी आपको पता नहीं चले. और आपका क्या करना है, क्या आप सेफ हो, क्या आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, वो सब कुछ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है नहीं. तो एट द स्टार्ट मैं आपको बता दूं, वैट PI का 8 ईयर का, दैट मीन्स द ओल्डेस्ट ऑनलाइन वैट PI एडमिशन ओपन है. 1-to-1 गाइडेंस यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलेगी, बिकॉज एज ऑफ नाउ टोटल 63 मेंटोर्स हो चुके हैं टॉप बी स्कूल का. मैं सारे मेंटोर्स का आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रोफाइल है बहुत जल्द. 50 प्लस अभी लिखा हुआ है, बिकॉज वीडियो मतलब ये जो आपका स्क्रीन बना हुआ पुराना है. वी हैव 60 प्लस मेंटोर्स, सेशंस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेने वाले हैं, बहुत सारे सेशन एक दो आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे जिससे आप देख सकते हो. वैट आपका इवेल्युएट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एकेडमिक HR प्रोफाइल, करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस होंगे, व्हाट क्वेश्चन इंटरव्यूअर कुड आस्क ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल, वो क्वेश्चंस करेंगे. क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा वो क्वेश्चन करेंगे. एंड आपका 1-to-1 मॉक भी होगा, जो बहुत रेयर होता है. कहीं आप जाओगे तो हार्डली एक मॉक होगा, यहाँ 2+ मॉक्स तो डेफिनेटली आपके होंगे ही होंगे. टू ज्वाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए कोर्सेज में जाओ, आप वैट PI पे जाओ, इनरोल कर दो, बिकॉज वी हैव 60 मेंटोर्स. तो अभी जो सीट है ओनली 350 सीट्स थे, तो 350 सीट्स हैं, बहुत तेजी से सीट्स बढ़ेगी. बिकॉज 90% का मतलब 10% का मतलब 20,000 जनता, अगर उसमें से 300 ने भी इनरोल किया तो हो सकता है कि आपका चांस रुक जाए. तो आप वैट PI के लिए अगर सेफ हो या बॉर्डर लाइन पे हो, जो स्कोर कैलकुलेटर है, एडमिशन ले लेना चाहिए. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. कैट 2023 का भी एडमिशन ओपन हो चुका है, 16 जनवरी से क्लासेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन कर लो. इसमें आपका क्वांट है, DI है, LR है, जो मैं ले रहा हूँ, वर्बल रोहित सर एंड बाकी मेंटर्स लेंगे. आपका इसमें CMAT, MAT सब कुछ कवर हो जाएगा. आप अगस्त तक विल ट्राई टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स, देन रिवीजन, देन द सुपर रिवीजन, देन कैट, देन जैट, हम लोग एक ही चीज कवर करेंगे. 15 मंथ का वैलिडिटी है, कोर्स भी बहुत लिमिटेड है, 16999, जाइए ज्वाइन कर लीजिए. अभी आप ज्वाइन करते हो तो 10% में आपको वेव ऑफ मिल जाता है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, और आप एजुकेशन कूपन कोड यूज करते हो. क्या यहाँ पे डिस्काउंट है? अगर आपके पास अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, SPGEN, IIMR प्रोफाइल बेस्ड, XRI और FMS के कॉल्स हैं या 98% प्लस है, तो आप कोर्स इनरोल करो. जब ये सब आपके पास वैलिड होगा कि आपके ये कॉल्स हैं या इतनी परसेंटेज प्लस है, तो आपका 1,000 रुपीज रिफंड हो जाएगा इन योर अकाउंट, आपको करना होगा. CMAT की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो प्रैक्टिस बैच हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए. क्योंकि मेरे को बोलना है इसमें भी क्वांट होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, GK इनोवेशन का आपको PDF मिलता जाएगा, आपको गाइडेंस मिलती जाएगी. पढ़ा देने के बाद बाहर से तो नहीं पूछेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, स्टार्ट करने के बाद आपको अगर मैं रिजल्ट दिखाऊं तो एज आई से ऑलवेज बोलता हूं कि रिजल्ट आप लास्ट तक देखते रह जाओगे, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना हो क्या बोला है क्या नहीं बोला है, चाहे वो CV का हो या जो मेरे क्लासेस का रिटेन का टेस्ट हो, वो सब कुछ दिखता है. मतलब वो रिजल्ट आपको यहां पे दिख जाएगी,
जो आप देख सकते हो, चाहे उनका टेस्टिमोनियल हो। बट आज का जो क्या है कि ओल्ड आयम्स क्या है, मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोज बताया है, बट आपको पता होना चाहिए ओल्ड आयम्स, मैं ओनली सिक्स आयम्स को मानता हूं। मीन्स 1996 से 1961 में जितने भी आयम्स बने हैं, मैं उसको क्या बोलता हूं, ओल्ड आयम्स। वी कॉल्ड इट ब्लैक। पहले क्या थे, टिल द 99 ब्लैकी, ये क्या है आपके, BLACKI, ब्लैकी, बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड एंड इंदौर, इसी को हम लोग मेन ओल्ड आयम्स मानते हैं, द ओल्ड आयम्स एज पर द एस्टेब्लिशमेंट 1996 के बाद एक आयम्स और बना हमारे पास, वो क्या है, दैट इज आई एम सिलोंग, जो 2007 में बना है। तो ये अपने आप को ना ओल्ड मानता हूं मैं, ना मैं इनको न्यू मानता हूं, लेकिन आई एम सिलोंग के जो फॉलोअर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम ओल्ड आयम्स हैं, बिकॉज बाकी आयम्स जो है 2010 और 11 के बीच में बने हैं, इनको न्यू आयम्स बोला जाता है। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 न्यू आयम्स हैं, 6 न्यू आयम्स हैं, 6 ओल्ड आयम्स हैं, और इसको मैं सेमी न्यू सेमी ओल्ड मानता हूं। सिलोंग्स को जो फॉलो करते हैं वो बोलते हैं मैं न्यू नहीं हूं, मैं 3 साल पहले पैदा हुआ हूं तो मैं न्यू नहीं हूं। तो उन्होंने एक वर्ड और दे दिया, ब्लैकी को उन्होंने ब्लैकिस बोल दिया, बट मैं नहीं बोलता हूं, ब्लैकिस इज ब्लैकी। बैंगलोर, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, कोझिकोड, इंदौर, यही ओल्ड आयम्स है मेरे लिए। एस ना न्यू है ना बेबी है, ब्लैकिस है। अब देखो न्यू आयम्स के जो प्रोसेस होते हैं, इन ये तीन प्रोसेस में डिवाइड होते हैं, इनका जो एडमिशन होता है वो तीन प्रोसेस में डिवाइड होता है। पहला इंडिविजुअल, पहले सबके सब जो न्यू आयम्स थे, ये जो सिक्स न्यू आयम्स हैं, सबके सब पहले क्या थे, कैप के अंदर हुआ करते थे, कॉमन एडमिशन प्रोसेस। बट धीरे धीरे कुछ आयम्स ने अपने आप को बाहर निकाल दिया। वो कौन सा है, न्यू आयम्स में रोहतक अपना प्रोसेस लेता है और ये फी भी चार्ज करता है। सबसे अच्छी बात है क्या, ये फी भी चार्ज करता है। तो इनके जो एडमिशन होंगे ये जनवरी एंड से ओपन हो जाएंगे, जैसे ही इनका स्टेज ओपन होगा आपको बता दिया जाएगा। एंड बेबी आयम्स, बेबी आयम्स कौन से हैं, 2015 से 2016 में जो भी फॉर्म्स हुआ है उसको बेबी आयम्स बोलते हैं। एंड वी हैव 7 बेबी आयम्स, तो 6 ओल्ड आयम्स, 6 न्यू आयम्स, 7 बेबी आयम्स और एक आपका सिलोंग, नो न्यू न्यू ओल्ड, मतलब 20 आयम्स हैं। अब इनका प्रोसेस क्या होता है, ये 6 आयम्स जो आपके हो गए, इनका अपना इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, मतलब वो कैट के बाद अपना इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब आपको इनका इंडिविजुअल वैट पीआई जाना होगा, अगर इनका वैट पीआई है तो। सिलोंग अपना इंडिविजुअल लेता है, आयम रोहतक बींग अ न्यू आयम्स अपना इंडिविजुअल लेता है बिकॉज ये व्हाइट कलर से है। देन हमारे पास 7 क्या है, बेबी आयम्स, इन विच 4 जो कलर है, ये जो येलो कलर्स हैं, यहां पे 4 और यहां 5 येलो कलर्स का कैप राउंड होता है, कॉमन एडमिशन प्रोसेस, ये क्या होता है, कैप राउंड होता है। बाद में ये सैप में भी जाते हैं, सप्लीमेंट्री एडमिशन प्रोसेस, मैं उसमें भी बात करूंगा, ये कैप होता है। ये जो व्हाइट आपके दिख रहे हैं, नागपुर, अमृतसर और विशाखापट्टनम, नागपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम एंड यहाँ रोहतक, इनका अपना प्रोसेस होता है। नागपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम आपसे बस फॉर्म्स भरवाएंगे, प्रोसेस अलग लेंगे, पैसे चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन रोहतक पैसे चार्ज करता है लास्ट ईयर तक। तो टोटल प्रोसेस क्या है, ओल्ड आयम्स का अपना प्रोसेस, सिलोंग्स का अपना प्रोसेस, रोहतक का अपना प्रोसेस, नागपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम का अपना प्रोसेस, देन वी हैव कैप, 5 दीज एंड द 4 दीज कैप, एंड क्या है, सैप, सप्लीमेंट्री, बिकॉज कभी कभी कैप में, बिकॉज ये सब बेबी आयम्स हैं, लोग इन बेबी आयम्स को प्रेफर करने के बजाय किसी दूसरे नॉन आयम्स में जाना चाहते हैं, तो इन्हें जो लगता है बोध गया, सिरमौर, संबलपुर और जम्मू, लेकिन अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लास्ट ईयर तक इनको ऐसा लगा था, अभी भी लगता है कि शायद हमारे पास वो बच्चे नहीं आ पाए कैप में जो आना चाहते हैं, बिकॉज कैप है क्या, कॉमन एडमिशन प्रोसेस इज द सिंगल प्रोसेस ऑफ द वैट एंड पीआई। देखो इस बार वैट नहीं है, ये सिंगल एडमिशन प्रोसेस होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन सैप क्या है, मैं वो भी बताऊंगा, आखिर वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे पास ओल्ड आयम्स हो गए, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस न्यू आयम्स और सैप के बारे में, क्या कहना है, कितने पे कॉल्स आएगा, कितने पे कॉल्स नहीं आएगा। अभी बात हो रही है कॉल्स की, अभी बात नहीं हो रही कि आपका एडमिशन हो गया, आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जब आपको पता होगा कि एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, मल्टीपल कॉल्स यू हैव, देन हम उनका प्लेसमेंट देखेंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उनका लोकेशन देखेंगे, कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी देखना है कि क्या कॉल आएगा या नहीं आएगा। तो चलो इस बार जो सैप कैप राउंड जो हमारा है, कैप का मतलब कॉमन एडमिशन प्रोसेस, वो आई उदयपुर कंडक्ट करवा रहा है। आपके कैप में होगा क्या, एमबीए प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट जो आपका हो रहा है, पहले कैट एग्जामिनेशन होगा जो आपने दे दिया है, शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पर्सनल इंटरव्यू सेकंड राउंड का प्रोसेस होगा, हम इसीलिए हैं, वैट नहीं है इस बार। पीआई प्रोसेस, पर्सनल इंटरव्यू वुड बी कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन मॉड्यूल, ये देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम उदयपुर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू करवाएगा।
अगर आप कैप के साथ जाना चाहते हो, इवन सैप के साथ भी आप जाना चाहते हो, तो आपका क्या होगा? ऑनलाइन इंटरव्यूज होगा, आगे देखना, वैट नहीं है। कॉमन आईएम्स जो आपके होंगे, द एग्जैक्ट डेट ऑफ द पीआई आपको बता दिया जाएगा, आई एम उदयपुर का, कब बताया जाएगा, नहीं बताएगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। देयर विल बी नो वैट, वैट नहीं है। तो आपने कैट दे दिया और आप न्यू आईएम्स को अगर टारगेट कर रहे हो, तो आपको बस ऑनलाइन पीआई की प्रिपरेशन करनी होगी, जिसके लिए आपका क्या है, वैट, आपका जो सीवी है, एडमिशन ओपन हो चुका है, अभी ज्वाइन कर लो। अगर आप सीवी 8.0 में ज्वाइन कर चुके होंगे, तो अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए होंगे, जो क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आपसे वन टू वन बात करना स्टार्ट कर दूंगा और आपको गाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। मेंटल लोकेशन, ये सब कुछ आपको उस प्रोसेस के थ्रू पता चल जाएगा। अगर आप सीवी 8.0 में ज्वाइन कर चुके हो और आपके को नहीं पता है, या आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो, नहीं पता है तो बात करता है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो, तो आप मुझको मेरे पर्सनल हैंडल्स पे पिंग कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। मेरा हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी आईएम्स, न्यू आईएम्स में वैट नहीं है, ऑनलाइन पीआई होगा, आईएम उदयपुर कंडक्ट करेगा। और आईएम उदयपुर ने बता दिया है कि जनरल के लिए क्या है, 70 70 70 और 92, देन आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 40 40, सेक्शनल और ओवरऑल 70 आना चाहिए। आप अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लो, ये आपका कैटेगरीज का परसेंटाइल कट ऑफ है। मैंने अपडेट कर दी है सीट में परसेंटाइल सेक्शनल वाइज, एंड ये ओवरऑल बिकॉज ये देख रहे हैं परसेंटाइल, तो मैंने इसकी भी रेफरेंस डाल दी है, आप वहां से निकाल के देख सकते हो रेफरेंस क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, कि ओवरऑल कितना होना चाहिए। तो मैं एक अंदाजा दे रहा हूं, वो सीट कैसे दिखेगा मैं आपको बता दूंगा, वो सीट कैसे दिखेगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका क्या है कैटेगरी वाइज, यहां 25 25 है, क्वांट में इन्होंने 32.5 किया है, बाकी हर एक जगह 25 है। तो आप देख लीजिए आपका क्या है, ओवरऑल इतना ही होगा। आप जैसे ही डेटा फीड करोगे, आपका वीए डीआई और क्वांट का तो परसेंटाइल दिख जाता है, उस सीट में ओवरऑल नहीं दिखती है, वो आप कैसे दिखेगी या कैसे आप चेक करोगे वो बता दोगे। तो ये क्या था, ये कैप का था। लास्ट ईयर का जब वीडियो बनाए थे, ये इस ईयर का जो आरटीआई निकला था, कि इवन इन दीज कॉलेजेस, मैं आपको बताता हूं, हमें अभी तक जो पता है, जैसे आप लास्ट ईयर कैप का देखोगे तो कैप में दो ही इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए थे, आई एम बोधगया और आई एम जम्मू। लेकिन आपको ये पता भी नहीं होगा, क्या पता नहीं होगा, कि आई एम सिरमौर और आई एम संबलपुर भी सैप से डेटा लेता है। इसका क्या मतलब है, हम कैप में भी पार्टिसिपेट करेंगे और सप्लीमेंट्री एडमिशन प्रोसेस जो होता है उसमें भी, लाइक आई एम संबलपुर ये भी कैप से डेटा उठाता है। अगर आप सैप से डेटा उठाता है, अगर आप सैप की साइट में जाके देखोगे तो बोध गया और जम्मू दो ही थे, लेकिन एक्चुअली आरटीआई में पता चला है कि हम सैप से भी डेटा लेते हैं। अगर आप आई एम संबलपुर को देखोगे तो इन्होंने फीमेल के लिए सैप से डेटा उठाया है, मतलब आपके जो बेबी आईएम्स हैं वो कैप में भी पार्टिसिपेट करते हैं, सैप में भी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो शायद बोल सकते हैं कि नहीं, वी हैव 9 कैप, हमें 9 कैप तो पता है, टिल डेट हमें 9 कैप पता है, और ये 4 जो हैं ये सैप में भी आते हैं जो कभी नहीं दिखे थे। बोध गया और जम्मू का तो सैप राउंड था, बट संबलपुर और सिरमौर भी सैप राउंड में आते हैं। तो सैप राउंड में आते हैं इसका क्या मतलब है, सैप राउंड में आते हैं तो आपका कैप से तो होगा ही होगा, आपका कॉलिंग कैप राउंड से भी आएगा, और आपका कॉलिंग फॉर द बोध गया जम्मू सिरमौर और संबलपुर का कॉलिंग सैप राउंड से भी आएगा। ये क्या होंगे, 2 एस्टिक हैं, सैप राउंड से भी कॉलिंग आएगा। तो ये जो वीडियो है ये कैप के लिए भी है, सैप के लिए भी है, और ये सीट मैंने अपडेट कर दी है दोनों के लिए। तो देखो, अगर आप कैप में फुलफिल अगर नहीं कर पाते हो तो आपको सैप राउंड का फुलफिल करना होगा, लाइक मेल और फीमेल का अलग सेक्शनल कट ऑफ है। फॉर द मेल 90, कैप में 92 था, 87 फॉर द फीमेल, जनरल इंजीनियर यहां फीमेल। आप इसको देख सकते हो, ये वीडियो को पॉज कर लेना और इसको देखना, ऐसे मैंने इसको एक्सेल सीट में भी डाल रखा है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारे पास क्या राउंड हो गए, जो 9 आईएम्स हैं जो कैप में जाते हैं, उसमें से 4 आईएम्स अभी जो अभी तक हैं पता है वो सैप में भी जाएंगे। हो सकता है कि ये जो आईएम्स हमारे दिख रहे हैं, नागपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम या रोहतक, ये अपना कुछ प्रोसेस चेंज करे, तो वो जब भी चेंज होगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है 9 आईएम्स की जो कैप के साथ जाते हैं, प्लस 4 आईएम्स की जो सैप के साथ जाते हैं। सिरमौर सैप का डेटा लिया है, संबलपुर के बारे में पता है कि उन्होंने फीमेल के लिए सैप का डेटा उठाया था, क्योंकि डाइवर्सिटी मेंटेन हमेशा करना चाहते हैं। तो कट ऑफ आप किसको देखोगे, कट ऑफ आप इसको भी देखोगे, और इस वीडियो के लिए आप कट ऑफ किसको देखोगे, आप इस कट ऑफ को भी देखोगे जो मैंने एक्सेल सीट में इम्बेड कर दिया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, बेस्ड ऑन द आरटीआई क्या आपके पास निकल के आया है? तो अभी हम बात कर रहे हैं, हम कैप की बात कर रहे हैं और छोटे से बच्चे सैप की बात कर रहे हैं, आखिर क्या सेफ स्कोर आया है? तो बहुत अच्छी बात है, दे डू नॉट हैव कंपोजिट स्कोर फॉर द इंटरव्यू राउंड,
इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए कंपोजिट स्कोर पे नहीं जाते हैं। मैंने बहुत सारे इमेज लगाने को नहीं दिखा है, कंपोजिट स्कोर पे वो क्या करते हैं, नहीं जाते हैं। लाइक अगर आप काशीपुर का देखोगे तो ये 92.1174 उसी पे थोड़े से ऊपर गए हैं, ये उस राउंड पे हो सकता है बच्चे नहीं मिले, थोड़ा सा परसेंटाइल ऊपर हुआ होगा। अगर आप रायपुर देखोगे तो 92.70.70.54.40.40, अगर आप रांची को भी देखोगे तो इसी राउंड पे मूव करते हैं। मतलब देयर इज नो सच कंपोजिट स्कोर फॉर दीज कॉल्स, इस कॉल के लिए कंपोजिट स्कोर नहीं होता था। अगर आप ब्लैकीज का देखोगे, ब्लैकी का, तो उसमें कंपोजिट स्कोर होता था, उनको परसेंटाइज से कोई मतलब नहीं होता था, परसेंटाइज जस्ट अ कट ऑफ, उन्हें क्या होता था, कंपोजिट स्कोर। अगर आप इस स्कोर को परसेंटाइल बेस को कॉल कर रहे हो तो आई एम कैप आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, मतलब इंदौर आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाएगा। आपको कैट के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन होगा कैप का, उसमें आपको इंटरेस्ट भरना होगा कि आप कैप में इंटरेस्टेड हो, देन वो आपको कॉल करेगा। देन सैप का इंटरेस्ट भरना होगा सैप, और ये पैसे चार्ज नहीं करेंगे, कब होगा कब नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप 70, 70, 70 और 92 पे हैं तो आपसे कैप राउंड के कॉल्स आने के 99.99% चांसेस हैं। नहीं तो अगर उसमें नहीं हो तो आप इस क्राइटेरिया को भी चेक कर सकते हो, आप अगर इस क्राइटेरिया को करते हो तो सैप राउंड में आने के 99.99% चांसेस हैं। लेकिन बस इसको करने से आपका कुछ नहीं होगा, आपका पीआई का प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, ज्वाइन कर लेना। अगर ये जैसे ही दिखेगा ज्वाइन कर लेना, बहुत कम टाइम देते हैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब सीवी ज्वाइन कर लेना या किसी ऑनलाइन वैट पीआई को ज्वाइन कर लेना, बहुत कम टाइम देते हैं वो प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो लोगों को शायद ही पता होगा कि सिरमौर और संबलपुर भी क्या है, सैप के अंदर पार्टिसिपेट किया, उन्होंने डेटा मांगा है। लोग बोलेंगे कि सर सैप तो साइट जाके देख लो ना, ऑनली बोधगया और जम्मू पार्टिसिपेटिंग है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर मैं आपको आरटीआई डेटा दिखाऊं तो देखो आरटीआई डेटा क्या है, संबलपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, दिस इज अगेन मेरे नाम पे है, मैंने ऊपर हटा दिया था। मैंने जब आरटीआई डाला है तो जनरल फीमेल का कट ऑफ 86 है, मेल जनरल तो वो 92 पे लेते हैं बट वो फीमेल को 86 पे कट कॉल किया है, मतलब वो फीमेल कॉलिंग आपकी क्या चल रही है 86 पे, फीमेल के लिए संबलपुर ने इसको देखा है। अगर आप देखोगे दैट इज अमीय कुमार पे जो आपका आया है सितंबर 7 को रिप्लाई है, बहुत अपडेटेड है, इंक्लूड सैप कैंडिडेट्स, हमने सैप कैंडिडेट्स को भी इंक्लूड किया है। मिनिमम स्कोर आपका एमबीए है, टीएचएम उनका कोर्स है, उस कोर्स के लिए भी आप, मैं आपको बता दूंगा क्या है नहीं है। आप कमेंट कर दिया करो कि मुझको पीजीपी के अलावा इस कोर्स का भी चाहिए, हम उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो बोध गया और जम्मू तो सैप लेते ही लेते थे जिनका कट ऑफ ये जाता है, लेकिन लास्ट ईयर की डेटा से पता चला है कि संबलपुर और सिरमौर ने भी सैप के डेटा को इंक्लूड किया, तो चांसेज है इस बार भी वो सैप के डेटा को इंक्लूड करेंगे। बेबी आईएम्स का अपना एक ग्रुप है, वो सैप डेटा को इंक्लूड करते हैं अगर उन्हें कैप से उतने अच्छे बच्चे नहीं मिलते हैं, उस उतने बच्चे नहीं मिल पाते हैं। तो सैप में लाइक सी यू हैव 86% और सैप का ये है, सैप हैज 4 कॉलेज, बोधगया, जम्मू, सिरमौर और संबलपुर, उनका कट ऑफ ये है। तो मैं उस पूरे लिस्ट में आपको बता दूंगा आपको चेक कैसे करना है, ठीक है। तो इतना डिटेल्ड एनालिसिस तो मुझको नहीं लगता है कि आपको कहीं और मिलेगा। सिमिलरली मेरी क्लासेस में भी इतनी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको दी जाती है, जो आप पढ़ोगे समझोगे तो एग्जाम कंडीशन में क्रैक करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि क्लासेज होगी, क्लासेज बाद रिवीजन होगी और रिवीजन के बाद सुपर रिवीजन होगा। सेम गोज विद द सीवी, आई डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद यू। समवन आस्क्ड सीवी वुड बी इन द हिंदी और इंग्लिश, दिस वुड बी मेनली इन द इंग्लिश फॉलोड बाय द हिंदी टू, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन मेंटर एंड द मेंटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट सीवीज एनालिसिस टू, व्हाट इट्स मीन, वी डिग डीपर एंड वी टेक द बेस्ट आउट फ्रॉम यू, the best thing would come and the best result would come, that's my promise if you are going to join the CV. Or join kar lena because 325 seats se 320 350 seats hui hain, mentors increase kiye hain, I'll give you the mentors name as soon as possible, usme join karna. Rahi baat ki sir hamara to call to aa jayega, you get a call, but inka call ke baad common calls honge, ye yaad rakhna, aapka kya hai, you have common call और द कॉमन इंटरव्यू जो कि ऑनलाइन होगा, यू हैव अ कॉमन कॉल और कॉमन पीआई जो ऑनलाइन होगा, बट इसके बाद आई एम इंदौर आपके कैट डेटा, आपके एकेडमिक डेटा, सारे डेटा को भेज देगा कहां, अलग अलग आईएम्स के पास, ये सारे आईएम्स के पास डेटा भेज देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेटा त्रिची के पास जाता है तो त्रिची आपको क्या करेगा, त्रिची उस डेटा को अपने एक्सेस सीट में डालेगा, अपने फॉर्मुला सीट में डालेगा, यहां पे वो कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। There is no composite score for the call of PI. आपका जो 70, 70, 92 है या category wise आपको call आएगा, आपको call आएगा, आपकी interviews होगी, उसके basis में अब ये composite score निकालेंगे, like 50% CAT percentile,
25% वेटेज आपका जाएगा पर्सनल इंटरव्यू पे. अगर मैं त्रिची की बात करूं 3% आपका वर्बल पे जाएगा, कम्प्रिहेंड हाउ यू आर गोइंग टू आंसर, बिकॉज इट्स अ त्रिची इन द केरला. द वर्बल इज दैट द कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. वर्क एक्सपीरियंस एकेडमिक 10th 12th ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड का 5% ये देंगे. मतलब जब आपका आई एम इंदौर आपके प्रोसेस को कंडक्ट करवा देगा, पीआई को कंडक्ट करवा देगा, देन वो पूरा का पूरा डाटा 9 आईएम्स को भेजना स्टार्ट कर देगा. पूरा का पूरा डाटा 9 आईएम्स को भेजना स्टार्ट करता है. देन ये 9 आईएम्स करते क्या है, देखो अब यहां पे एक सरप्राइजिंग फैक्टर और आता है. 9 आईएम्स करते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज 9 आईएम्स कैलकुलेट द कंपोजिट स्कोर, ये कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपोजिट स्कोर लास्ट ईयर आप किसी ईयर भी देख लो, सर मेरा तो अहमदाबाद मतलब बैंगलोर से कॉल आ गया है, कम्बर्स कन्वर्ट भी हो गया, मेरे को रांची से कन्वर्ट नहीं हुआ, मेरे का ये कन्वर्ट नहीं हुआ. क्योंकि ये कंपोजिट स्कोर जो बनाते हैं फॉर द पीआई प्रोसेस, दे मेक टू कंपोजिट स्कोर, मिनिमम एंड मैक्सिमम. अगर कोई बंदा इस रेंज में होगा तभी वो उसको फाइनल कन्वर्ट करेंगे. अगर आप बहुत अच्छे हो तो बोलते हैं जाओ किसी और बी स्कूल को ज्वाइन कर दो. अगर आपका कंपोजिटर बहुत ज्यादा है तो उनको पता है कि नहीं ज्वाइन करेगा मेरे को, हम इसको देंगे ही नहीं. Like, मुझको पता है एक बंदे का एक्सेल कन्वर्ट हो गया है, एक बंदे का लखनऊ कन्वर्ट हो गया था लास्ट ईयर, सीवी का स्टूडेंट था और मेरा अपना फुल कोर्स का स्टूडेंट था, उसका आई एम रांची ये सब कन्वर्ट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि वो मिनिमम और मैक्सिमम कंपोजिट स्कोर क्रिएट करते हैं. अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हो तभी आपको वो फाइनल कॉल करेंगे. मिनिमम को तो ऐसे भी कॉल नहीं करेंगे, वो बाहर है. मैक्सिमम के बाद उनको क्या लगता है कि नहीं ये मेरे को ज्वाइन नहीं करेगा, हम कॉल नहीं करेंगे. सो कंपोजिट स्कोर मिनिमम और मैक्सिमम यहां पे क्रिएट किया जाता है. तो आपने समझा होता क्या है, आई एम उदयपुर आपको बुलाना स्टार्ट कर देगा कि आओ फॉर्म फिल करो, कैब का बेसिक डिटेल फिल कर दो, आप फॉर्म में अपना इंटरेस्ट फिल कर दो. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे वैट. हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टीज, हमारे जो टीम होगी आपके इंटरव्यूज को जज करेगी और आपका पूरा जो डेटा है एकेडमिक डेटा, वर्कएक्स डेटा जो आपने कैप में फिल किया, जो कैट में फिल किया है, एक प्लस वर्कएक्स में जितना आपके सॉरी दैट्स द पीआई में जितना आपका पॉइंट मिला है, हम इस सारे पॉइंट्स को भेज देंगे ऑल 9 आईएम्स में. वो अपने कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम अपना कंपोजिट स्कोर का निकालेंगे. और अगर आप इस रेंज में आते हो तो आपको कॉल देना स्टार्ट कर देंगे. तो एक आदमी के बाद हो सकता है बहुत सारे कॉल्स हो. अगर आप टॉप 20 स्कूल को कन्वर्ट कर दो तो हो सकता है आपका कैप से फाइनल राउंड भी नहीं आए क्योंकि आप उस रेंज से बाहर. यह बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, हमारा 20 से भी आ जाता है, सबसे भी आ जाता है. तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अगर आप यहां पर नहीं आते हो तो आप सैप राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, तो आप सैप राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे. बट सैप राउंड में उन्हीं लोग को इंक्लूड किया जाता है जिनका कैप में कॉल नहीं आता है. आपका अगर कैप में कॉल आया देन यू आर कमिंग टू द सैप, देन वो नहीं बोलते हैं कि जब आपका कैप में कॉल आ गया तो हम डेटा उदयपुर से मांग लेंगे. बट अगर आपका कैप में कॉल नहीं आया है ड्यू टू द परसेंटाइल कैटेगरी, ड्यू टू द परसेंटाइल, बिकॉज इनका सेक्शन अलग है, इनका सेक्शन अलग है. अगर आपका कैप में कॉल नहीं आया है तो आप सैप के लिए एलिजिबल हो. अगर आप इस परसेंटाइल रेंज में आ रहे हो तो आप सैप का भरो, मैं आपको कॉल करना स्टार्ट करूंगी, उसके बेसिस पे हम प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे. तो ये याद रखिएगा. और अगर आप कैप और सैप दोनों में हो तो बोलेंगे कि मैं सैप को देख लूंगी या देख लूंगा, आप उधर से उठा के मतलब इंटरव्यूज का डेटा वहां से ले आओ. रही बात कि सर स्कोर कैलकुलेटर क्या है, तो मैं स्कोर कैलकुलेटर के पहले कुछ बातें आपको बताता हूं कि एडमिशन तो ओपन हो गया है ज्वाइंट. अगर आप बॉर्डर लाइन पे या अगर आप पास हो, अगर पास हो आपको लगता है कि पास हो जाओगे तो ज्वाइन करना. बिकॉज कैप 2022 का जो लास्ट ईयर का रिजल्ट था 19 जनवरी से स्टार्ट था, इस बार भी टेंटेटिवली 16-17 जनवरी से कैप का रिजल्ट आएगा. 15-16 जनवरी से कैप का आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. जनवरी 28 लास्ट डेट होती है, एक आध दिन एक्सटेंड होता है. और आपका 14 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा. तो आइडली आपका कैट के बाद ओनली 30 डेज होता है. कैट का रिजल्ट 56 को आ जाएगा, 30 डेज होता है. तो क्या 30 डेज इंपॉर्टेंट है, आप अभी से स्टार्ट करो. मैं आपके साथ एक दो दिन में काम करना स्टार्ट कर दूंगा, देन जाके आप 40 डेज में अपने आपको इंप्रूव कर पाओगे इस राउंड के लिए. और इनका भी जो लास्ट डेट है 14 फरवरी होता है, सैप का 14 फरवरी, और ये मार्च से इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं. तो 14 फरवरी से न्यू आईएम्स का दैट इज आई एम उदयपुर इंटरव्यू स्टार्ट कर देगा. इस बार मान लो कि 15 फरवरी से स्टार्ट करें, कुछ एक दो दिन आगे होती है, तो टाइम बहुत कम है. अगर एक्सेल सीट में कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर में आपका दिखता है तो यू आर मोस्ट वेलकम. इंडियाज लार्जेस्ट टीम, अभी ये 60+ मेंटर्स हैं. अभी क्या है 60+, इतनी बड़ी टीम किसी के पास नहीं होती है ऑनलाइन मॉड्यूल में. एटलीस्ट ऑफलाइन में अगर होगा भी तो एक सेंटर में तो नहीं होता है. तो वी कोऑर्डिनेट विद द 60 मेंटर्स, हम 60 मेंटर्स के साथ काम कर रहे होते हैं.
आपको बहुत सारे सेशन मिलेंगे, ये सेशन एक्चुअली हम जैट के बाद स्टार्ट करेंगे, बट उस इन द मीन टाइम अगर अभी ज्वाइन करते हो तो मैं आपके साथ आपके पर्सनैलिटी पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चनर पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। वैट एवोल्यूशन एकेडमिक्स वैट तो आपके न्यूएंस में है नहीं, तो आपके ऑनलाइन पे आपका पीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्या क्या पीआई में क्वेश्चन आ सकता है, एकेडमिक एचआर प्रोफाइल सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने सर तो ठीक है, ये बता दो कि आखिर कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो आप जब इसको ओपन करोगे, एक्सेल है, लिंक डाउनलोड है, डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करोगे फाइल डाउनलोड हो जाएगा, फिर दिस डेटा में जाओगे, अगर यहाँ पे इनेबल मांगता है आपसे कि इनेबल करो, एडिट इनेबल, तो क्लिक कर देना, एडिट इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस डेटा को फिल करना है, आप इस डेटा को नॉर्मली फिल कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या ये फिल कैसे होता है, जस्ट फॉर अ सेक कि ये क्या है। लाइक मैं स्लॉट वन में हूं, अगर आप स्लॉट में हो तो स्लॉट वन को फिल करना, बाकी सब कुछ पासवर्ड ब्लॉक है, बाकी क्या है, पासवर्ड ब्लॉक है। स्लॉट वन तो स्लॉट वन, अगर आप स्लॉट टू में तो स्लॉट टू को फिल करना, अगर आप स्लॉट थ्री में तो स्लॉट थ्री में फिल करना, टिल जब तक कि कैट का रिजल्ट नहीं आता है। कैट का रिजल्ट आएगा तो मैं अपडेटेड बना के दे दूंगा, जो कि 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ कॉल प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये भी 98% कॉल प्रिडिक्ट करेगा, बट इसमें 98% प्रिडिक्शन है, तो 2%, 5% का एरर तो है। मैंने कहा स्लॉट वन में मेरे VA में 20 मार्क्स आ गए, स्लॉट टू में मेरे इसमें भी 20 आ गया, और स्लॉट QA में भी क्या गया, 20 मार्क्स आ गए। तो 94, 98, 90% मेरी बन रही है। सर ओवरऑल परसेंटाइल आपका नहीं दिख रहा है, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा मैं ओवरऑल परसेंटाइल भी दिखाऊंगा आपको, परेशान मत होइए, लेकिन अभी नहीं। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल परसेंटाइल दिखाना स्टार्ट कर दूं तो ये बहुत हेवी फाइल हो जाती है। आई सेड ना कि अगर आप में से कोई भी आईटी बैकग्राउंड का है जो मेरे लिए परसेंटाइल प्रेडिक्टर को ऑनलाइन वेब पेज बना सकता है तो मैं वेलकम करता हूं उसको। आपका एकेडमिक कितना है? सर इसमें तो एकेडमिक चाहिए ही नहीं। देखो सैप और कैप के लिए एकेडमिक रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, बट बाकी आंस के लिए तो है ना। एकेडमिक्स कितना है? मैंने कहा 10th में मेरे आ गए हैं 85, 12th में जो एज पर द कैट 12 में मेरे 85 है। मैं रैंडम डेटा डाल रहा हूं, मैं साइंस स्ट्रीम का हूं, ग्रेजुएशन भी मैंने इंजीनियरिंग की है। आपका जो भी किया है वन उसमें डालना, बाकी में मत डालना, क्योंकि आपका वो एरर दिखाना स्टार्ट कर देगा, ये गुड टू गो है। मैं क्या हूं? मेल हूं। कैटेगरी मेरी क्या है? जनरल है। आपकी जो भी कैटेगरी हो वो डाल देना, वो आपका बन जाएगा। वर्क एक्स आपकी कितनी है? वर्क एक्स आपका 24 मंथ में मान लेता हूं। क्या आईएम्स एल के लिए आप इसमें बिलोंग करते हो? आप इंजीनियर हो तो इसमें बिलोंग नहीं करते होगे। आपने जैसे ही ये डेटा सीट फिल किया, सारा डेटा सीट वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। योर एक्सपेक्टेड कॉल देखो क्या है, आईएम ए से कॉल आने की उम्मीद नहीं है आपको उस डेटा पे, आईएम बी से कॉल आने का नहीं है। ऐसे आईएम ए में से चेक कर लो, 0.6 पे कॉल नहीं आएगा, अगर बी से सी से नहीं आया तो इससे कॉल नहीं आएगा। आप आईएम रांची के लिए सेफ हो, आप क्या हो, आईएम रांची के लिए। यू नीड टू स्टार्ट द प्रोसेस, आपको क्या करना चाहिए, प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए वैट पीआई का, आपको आईएम रांची से कॉल आ जाएगा, बिकॉज आप यहां पे भी पास हो। ये पास का क्या मतलब है? ये मतलब VATILR, मैं इसको रोक दूंगा कि ये ऊपर नहीं जाए, मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, जब आपके पास मिलेगा तो ये फ्रीज रहेगा। एनीवे, सो आपके पास क्या है, आईएम रांची से आप सेफ हो, यू आर सेफ फॉर द आईएम रांची, आपको आईएम रांची से कॉल आएगा। इसका मतलब क्या है, आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो, स्टार्ट द प्रोसेस। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप यहां अनसेफ हो जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको दिखाता हूं लाइक दिस, इस डेटा को मैं यहां कम करता हूं, से वी हैव 10 पॉइंट्स, हमारे क्या है 10 पॉइंट्स आया है, जस्ट से हमारे पास कितने आए, 10 पॉइंट्स आए। अगर आप 10 पॉइंट्स यहां पे होते हो और आप एक्सपेक्टेड में दिखाते हो कि सॉरी 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 हो गई, यहां पे क्या हो गई, सॉरी हो गई। अगर ये सॉरी है तो फॉर द संबलपुर सिरमौर जम्मू और बोधगया स्टार्ट चेकिंग द सैप, हो सकता है आपका सैप से राउंड आएगा। सैप का सीट मैंने आगे इसमें डाल दिया है, जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको सैप दिखना स्टार्ट करेगा। तो देखो सैप के लिए क्या है, आप जैसे ही सैप सीट पे क्लिक करते हो ये परसेंटाइल प्रिडिक्टर की तरह भी काम करना स्टार्ट करता है। आपका VA का परसेंटाइल 94 है, DLR कितना है 98.5 और QA कितना है 51। सैप बहुत गंदा है ना, मेल फीमेल करना बड़ा हेडेक होता है। लाइक देखो इसमें मुझको, अगर मैं जनरल फीमेल मेल हूं, मैं मानता हूं जनरल मेल हूं, मेल का मेल, और मैं मानता हूं कि NCOBC हूं, तो देखो NCOBC मेल 45 कट ऑफ क्लियर है, 95 कट ऑफ क्लियर है, परसेंटाइल 72 चाहिए, परसेंटाइल मुझको ओवरऑल 72 चाहिए। अब कहां मिलेगा ये, मैंने पूरा का पूरा परसेंटाइल प्रिडिक्टर अप्रोक्सीमेशन डाल दिया है। अगर आपको 72 परसेंटाइल चाहिए तो स्केल स्कोर 37 होना चाहिए, आपका स्केल स्कोर 51 है, आप यहां पे सेफ हो। मतलब सैप राउंड के लिए जो जो परसेंटाइल आपको चाहिए
या कैप राउंड के लिए भी आपको जो जो परसेंटाइल चाहिए, मैंने प्रिडिक्टर यहां पे डाल दिया है। लाइक अगर आपको 92 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 55 मार्क्स लाना चाहिए। लास्ट ईयर 60 पे 59 पॉइंट समथिंग पे 60 पे 90 परसेंटाइल था, 92 परसेंटाइल मुझको लगता है 54-55 पे होगी। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर इसको बढ़ा दिया हूं। आपको जिस पर देखो यहां पे VA DI LR QA तो दिख जाएगा कि अप्रोक्सीमेशन इतना परसेंटाइल आपका आएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए क्या बॉस, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ओवरऑल परसेंटाइल। लाइक मैं बिलोंग करती हूं SC फीमेल, तो SC फीमेल के लिए आपका 37 परसेंटाइल चाहिए, 37 परसेंटाइल के लिए आपका स्केल स्कोर 14 चाहिए, जो यहां से आप चेक कर लेना। अगर ये आपके स्केल स्कोर में और कहीं पे भी डाउट हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहां पे डेटा फीड करना, आप यहां पे करना डेटा फीड करना, और उसके बाद सैप्स का स्क्रीनशॉट लेके मुझको मेरे सोशल हैंडल में भेज देना। सारे सोशल हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इसको देख के कि आप यहां सेफ हो, क्योंकि इतना सब कुछ एक एक्सेल शीट में फॉर्मूला फीड करने से एक्सेल शीट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, डाउनलोड करना रन करना बहुत स्लो रन करता है, तो मैंने कहा कि इसको फीड नहीं करते हैं, आप खुद से चेक कर सकते हो। इतना तो DI आपका अच्छा होगा कि अगर आप अपनी कैटेगरी अपना जेंडर देखना मिला लेना आप कहां पे हो, अगर आप सब में पास हो रहे हो फॉर दिस यहां से रेफरेंस ले लीजिएगा। स्केल स्कोर 51.37 है, 51.37 आपका 87 परसेंटाइल आएगा, 87 परसेंटाइल के लिए फीमेल में आप पास हो, आप यहां से रेफरेंस ले लेना, आपको ये दिख जाएगा। तो ये डिटेल वीडियो है कैप और सैप का। एंड मैं आपसे फिर से बोलता हूं, अगर आप कैप और सैप में, अगर आप कैप और सैप में सेफ हो, लाइक अगर यहां पे आप सेफ दिख रहे हो, अभी तो आपका सॉरी दिख रहा है, अगर यहां पे आप सेफ हो या कैप सीट में सेफ हो, स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करने का, क्योंकि आपको पता है कि ओनली 40% से 50% वेटेज ही कैट स्कोर का होता है, बाकी वेटेज 25% से 30% वेटेज आपके इंटरव्यूज का होता है, देन आपके प्रोफाइल का होता है। वी आर वर्किंग ऑन द इंटरव्यूज, उसमें अगर हम अच्छे से काम कर ले तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आएगा। एडमिशन ओपन हो चुका है। अभी भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना, और मैं बोलता हूं प्लीज लाइक द वीडियो, लोगों के साथ शेयर करो, कि अगर कुछ पूछना है कुछ बताना है तो अमीर सर से पूछो। द मोस्ट ऑथेंटिक टिल डेट अभी तक मैंने न्यूज दी है, क्योंकि ये सब कुछ RTI के बेसिस पे हो सकता है। ट्रेंड एनालिसिस मैं करता हूं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ अप एंड डाउन डेटा करता हूं जिसके अंदर थोड़ा सा एरर आता है, बिकॉज अभी तक मेरे पास सैंपल है, मेरे पास कैट पॉपुलेशन इस सर्वर का नहीं है, तो थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है। अगर आप कैट 2023 के बारे में सोच रहे हो तो सोचे मत, ज्वाइन कर लो, एडमिशन ओपन हो चुका है, क्योंकि जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर तो नहीं आएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो नंबर दिया हुआ है आपका 9905050159, उस पर ज्वाइन कर लो। CMAT का भी एडमिशन ओपन हो चुका है, VAT PI कर ही लेना अगर हो चुका है तो, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। तो मैंने अभी तक ब्लैक ई 6 IIMs और ये 9 IIMs 15 IIMs का डेटा आपके पास रख दिया है। बाकी IIMs बाकी IITs बाकी बी स्कूल्स के बारे में भी मैं बहुत अपडेट कर दूंगा इस चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना, बिकॉज यहाँ पे जो भी जाता है कुछ ऑथेंटिक डेटा ही जाती है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी मोर इन्फॉर्मेशन के साथ, बट आपको कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन टॉक टू मी ऑन माई सोशल हैंडल्स या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, जाओ ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है रिप्लाई थोड़ा सा लेट में आए, बिकॉज मैं क्लासेस लेता हूँ, मैं बहुत कुछ काम करता रहता हूँ, आई नीड टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी टीम आपको कभी कभी रिप्लाई कर दिया करेगी मेरे बिहाफ में, जो भी रिप्लाई मिलेगा वो जनरली मुझसे पूछ के ही करते हैं, उनको अगर पहले से पता है तो। एनीवे, आज के वीडियो को मैं यहीं पे होल्ड करता हूं। कैप एंड सैप का आपको कहानी पता चल गया होगा कि वी हैव 9 CAP IIMs एंड विद इन द कैप वी हैव 7, बोधगया जम्मू ऑफिशियली सैप में है, संबलपुर और सिरमौर डेटा कलेक्ट करता है सैप से एज पर द रिक्वायरमेंट, और आपके पास आपका एक्सेल सीट है उसमें डेटा फीड कीजिए। कहीं पे भी कोई डाउट हुआ स्क्रीनशॉट लेके मुझको भेज दो आप, मैं आपको इस डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन किसी इंफॉर्मेशन या किसी कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। जो देना है मैं बेस्ट दूंगा, क्योंकि मेरा यही मानना है आप दो अपना बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देता हूं, जब बेस्ट हम देंगे तभी बेस्ट रिजल्ट आएगा। एंड मैं अभी बोल रहा हूं 14 February से VAT PI स्टार्ट है, अगर आपको लगता है कि आप सेफ हो स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझको इसमें नहीं जाना है लेकिन मैं कैट 2023 के लिए हूं, तो क्या कैट 2023 का बैच ज्वाइन करना चाहिए, उससे पहले मैं बोलूंगा इस प्रोसेस को जियो, कैट 2023 का भी बैच स्टार्ट करो, बिकॉज इसकी लर्निंग जो आपकी होगी ना वो अगले साल आपको काम देगी ही देगी। तो लर्निंग्स को लीजिए, एडमिशंस ओपन हो चुका है, एडमिशंस ले लो, अपना बेस्ट दो। सारे IIMs या जितने भी मेंटर्स हैं का इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द इसी चैनल पर शेयर हो जाएगा, बाकी आपके ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा कि दीज आर द मेंटर्स जिनके साथ आप बैठ के पढ़ने वाले हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, एंड लाइक कर देना वीडियो को, कुछ कमेंट कर देना, यूट्यूब एल्गोरिथम इसी तरह काम करती है, क्योंकि
जब तक बढ़ेगा नहीं चैनल तब तक मजा नहीं आता है। तो चैनल को बढ़ाना नहीं है, आपके को आपके रिजल्ट के पास लेके आना है और अपना बेस्ट देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।